12. तेरे जाने के बाद माधव पूरी तरह टूट चुका था। प्यार में विफलता और अकेलेपन ने उसे तोड़ दिया था। पहले प्यार ने जहां उसे खुशी, सपने और जीने का मकसद दिया था, वहीं ब्रेकअप ने उसे दर्द, उदासी और आंसुओं में डुबो दिया था। वह अब न ही किसी से मिलता था और न ही किसी से बात करता था। यहाँ तक कि मम्मी पापा से सिर्फ खाने के समय ही बात करता था। उसका एकमात्र मित्र राजू भी अब बाहर पढ़ने के लिए चला गया था। माधव के पास सिर्फ एक ही काम था, बिस्तर पर लेटे लेटे खोए रहना। उसे ये भी पता नहीं था कि रात भर जागने से प्यार वापस नहीं आता। उसके चेहरे से रौनक गायब हो चुकी थी, उसकी दाढ़ी मूंछें भी घनी हो गई थी। उसकी हालत देखकर उसके पिता कहते हैं, माधव ऐसा कब तक चलेगा? जिंदगी में काफी उतार चढ़ाव आते हैं और हमें सभी रास्तों से चलने की आदत डालनी चाहिए। तुमने तो BSc भी पास कर लिया, आगे के बारे में कुछ सोचा है या यूं ही समय बर्बाद करते रहोगे? उसके पिता उसके कंधों पर हाथ रखते हुए कहते हैं, पिताजी मैं कुछ करना चाहता हूँ पर कुछ करने का मन ही नहीं करता। माधव सिर झुकाकर बोलता है, माधव मैं जानता हूँ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। एक लड़के और एक लड़की का जीवन अलग होता है। अगर वह लड़की जिसका नाम अंकिता है उसने तुम्हें छोड़कर किसी और के साथ शादी की है तो यह उसकी मजबूरी ही होगी या अपने बेहतर जीवन के बारे में सोचकर उसने तुमको छोड़ा होगा। सबको अपने जीवन में बेहतर विकल्प चुनने का हक है। तुम एक दूसरे को प्यार करते थे, यही काफी है। जो लड़की एक बार छोड़कर जाती है वह दोबारा नहीं लौटती। अंकिता तुम्हारे जीवन में कभी भी नहीं लौटेगी, इसलिए उसे याद कर अपनी जिंदगी खराब मत करो। तुम शायद सोच रहे हो कि मैं कैसे जानता हूँ, तो सुनो, तुमने मेरे मोबाइल से भी अंकिता को मैसेज किया था जिसे तुम डिलीट करना भूल गए थे। माधव ये सुनकर शर्मिंदा हो जाता है, फिर कहता है, पापा मैं यहाँ नहीं रहना चाहता, मैं कहीं और जाकर पढ़ाई करना चाहता हूँ। माधव तुम मोतिहारी अपने मामा के यहाँ जाकर कंपटीशन की तैयारी कर सकते हो। वैसे भी तुम्हारे ममेरे भाई मुकुल की नौकरी लग जाने के बाद तुम्हारे मामा मामी अकेले हो गए हैं। मुकुल कह रहा था कि मोतिहारी में प्रतियोगिता की तैयारी करने का माहौल बहुत अच्छा है। मैं चाहता हूँ कि तुम कल मोतिहारी चले जाओ। अगले दिन माधव मोतिहारी चला आता है। उसे मोतिहारी आए 2 महीने हो गए थे। उसने न तो कोई मित्र बनाया और न ही कोई कोचिंग ज्वाइन की। अपने कमरे में बैठकर सिर्फ सैड सॉन्ग और अंकिता की एक पुरानी तस्वीर देख समय का सत्यानाश कर रहा था। पुस्तकों के काले अक्षरों को याद करने के बजाय वह अंकिता को याद करता रहा। उसने अपने दिल को समझा दिया कि उसके जीवन में अब कुछ अच्छा नहीं होने वाला। कुछ दिनों बाद मुकुल छुट्टी पर घर आता है। माधव के पिता ने पहले ही मुकुल को सारी बातों से अवगत करा दिया था। मुकुल माधव को देखकर बहुत खुश होता है और आकर सीधे उसे गले लगा लेता है। वह माधव के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, कैसे हो माधव और तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? भैया मैं ठीक हूँ और पढ़ाई कुछ खास नहीं चल रही है। माधव पुस्तक मेज पर से उठाते हुए कहता है, चलो कोई बात नहीं, कंपटीशन की पढ़ाई बहुत बोरिंग होती है, धीरे धीरे मन लगता है, समय हाथ से निकल जाने पर वापस नहीं आता, इसलिए समय के महत्व को समझो। अगर आज तुम समय बर्बाद करते हो तो कल समय तुमको बर्बाद कर देगा। मुकुल माधव को समझाते हुए कहता है, ऐसी बात नहीं है भैया, मैं पढ़ाई पर ध्यान नहीं लगा पा रहा हूँ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या पढ़े क्या ना पढ़े। माँ कह रही थी कि तुम सारा दिन खोए खोए से रहते हो। तुम जिसके लिए खोए खोए से रहते हो वह किसी और की बीवी बनकर अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से बिता रही है। तुम खुद की खुशी को मार रहे हो। जो खुद की खुशी को मारता है वह खुद का गुनाहगार होता है। मुकुल ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा, भैया मैं सच कहूँ तो मैं उसके प्यार को भुला नहीं पा रहा हूँ। उसकी याद बहुत आती है जिसके कारण मैं उसके सारे पुराने मैसेज और उसकी तस्वीर देखता रहता हूँ। माधव किसी को किसी से प्यार होना बुरी बात नहीं है। प्यार एक एहसास है जो जिंदगी भर चलता है। किसी को प्यार कर उसे अपनी जिंदगी समझना बेवकूफी है जो तुम अभी कर रहे हो। जिंदगी में आगे बढ़ो और कुछ ऐसा करो कि लोग तुमको प्यार करें। भैया क्या आपने कभी किसी लड़की से प्यार किया है? मुकुल हंसते हुए कहता है, जब मैं स्नातक सेकंड पार्ट में था
तप किया था और बेशुमार किया था। स्नातक पास करने के बाद मेरे पास कोई रोजगार नहीं था, यानी कि मैं बेरोजगार था। उसने एक साल तक मेरा इंतजार किया पर मैं कोई रोजगार नहीं पा सका। फिर उसने शादी कर ली। कोई समझदार लड़की किसी बेरोजगार युवक से शादी नहीं करेगी जो दो वक्त की रोटी का जुगाड़ न कर सके। प्यार को मुकम्मल करने के लिए जेब में पैसे होना जरूरी है। जिसके पास पैसा है उसके पास प्यार है। लड़कियां हैं, सारा जहां है। आज मेरे पास पैसा है तो बहुत सारी लड़कियां मेरे आगे पीछे घूमती हैं। आज के जमाने में प्यार, मोहब्बत, इश्क सब पैसे से तोला जाता है। मैं भी पढ़ना चाहता हूं और एक कामयाब इंसान बनना चाहता हूं, पर मेरा दिल किसी चीज में लग नहीं रहा है। मैं क्या करूं? मुकुल माधव से कहता है, शाम हो गई, चलो टहल कर आते हैं। फिर दोनों टहलते हुए मोती झील, जिस झील के किनारे मोतिहारी शहर बसा हुआ है, की तरफ चल देते हैं। शांत शहर, ज्यादा चहल पहल नहीं और मोती झील की ठंडी हवाएं। टहलते हुए मुकुल कहता है कि ब्रेकअप के प्रभाव से एक दो दिन या एक दो महीनों में उभरा नहीं जा सकता। रिलेशनशिप चाहे महीने भर का हो या साल भर का, ब्रेकअप किसी लड़के को मानसिक एवं भावात्मक रूप से तोड़ देता है, पर अगर मन को मजबूत कर दिया जाए तो कुछ भी कर पाना संभव है। ब्रेकअप एक ऊर्जा है। अगर इस ऊर्जा को तुम सही तरीके से इस्तेमाल करोगे तो बाथरूम में जाकर रोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक इंसान के साथ जो कुछ भी उसके जीवन में घटित होता है वह किसी कारण से होता है। तुमको अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो पुराने रिलेशनशिप से जुड़ी सारी यादों को भुलाना होगा। अकेले रहने की कोशिश न करो और मित्र बनाने की कोशिश करो। अच्छे मित्रों के साथ आगे की जिंदगी बेहतर बनाने के बारे में सोचो। दुख भरे गाने और शराब इंसान को मानसिक व शारीरिक रूप से कमजोर बना देती है और उसी जगह पर लेकर आ जाती है जिस जगह से इंसान उबरने की कोशिश कर रहा होता है। जो छोड़कर चली जा चुकी है उससे बात करने के लिए भीख कभी मत मांगना। तुम खुद से वादा करो कि तुम एक कामयाब इंसान बनकर रहोगे। हाँ भैया, मैं एक कामयाब इंसान बनकर ही दम लूंगा। इतना कहकर माधव ने अंकिता के सारे मैसेज डिलीट कर दिए, उसकी तस्वीर डिलीट कर दी। अगले दिन मुकुल माधव को लेकर चंपारण के प्रसिद्ध मैथमेटिक्स और रीजनिंग के शिक्षक श्री सुबोध सर के पास ले जाते हैं। माधव कोचिंग जाने लगा, पर फिर भी रात को सोते समय उसे नींद नहीं आती और अंकिता की यादें उसे सोने नहीं देती। वह अपने दोनों हाथों की हथेलियों के ऊपर अपना सिर रखकर ऊपर की तरफ देख रहा था, तभी मुकुल पानी लेने के लिए किचन जाते समय माधव के कमरे में झांकता है, फिर चुपचाप चला जाता है। अगले दिन सुबह मुकुल चाय लेकर माधव के कमरे में आता है। गुड मॉर्निंग माधव, नींद कैसी रही? मुकुल चाय का कप माधव की तरफ बढ़ाते हुए कहता है। गुड मॉर्निंग भैया, नींद अच्छी रही? मुकुल माधव के हाथों में स्वेट मॉडर्न की पुस्तक जीत विचारों की थमाते हुए कहता है, इस पुस्तक ने मेरी जिंदगी को बदल कर रख दिया। जब रात को नींद ना आए तो इस पुस्तक को पढ़ना और हाँ, उन लोगों के बारे में सोचना जो तुमसे लाख गुना बदतर स्थिति में जीकर भी अपने संघर्ष से आगे बढ़े। ये जिंदगी बहुत लंबी है। जहाँ तुमको लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, वहीं से बहुत कुछ अच्छा होने की शुरुआत हो सकती है। मैं आज अपनी नौकरी में लौट रहा हूं और अगली बार जब आऊंगा तो तुम्हें इस हालत में नहीं देखना चाहूंगा।